पालन पोषण। आइडिया वीडियो जन्म से 3 साल के बच्चों की माताओं के लिए। आज की मीटिंग में आई हुई सभी माताओं का हार्दिक स्वागत है। आइए सभी माताएं बच्चों के साथ इकट्ठा बैठें। चलिए आज की मीटिंग की शुरुआत एक प्यारे गाने से करते हैं। ये गाना होने तक ये वीडियो यहाँ पॉज करते हैं। पिछले हफ्ते की मीटिंग की शुरुआत हमने एक प्यारे गाने से और एक मजेदार खेल से की थी। दिए गए खेलों से बच्चों के लिखने की पूर्व तैयारी कैसे होने लगती है यह देखा, तथा अनार को आसानी से छीलने का सही तरीका क्या है उसके बारे में जानकारी ली थी। ये गतिविधि होने तक ये वीडियो यहाँ पॉज करते हैं। हमारी इस गतिविधि का नाम है मिलकर कुछ करते हैं। सभी माताएं एक रेखा में बैठें। उनके पास एक बेलन और एक समान कंगन हो। प्रत्येक माता को अपने एक हाथ में बेलन लेकर हाथ पीछे रखना है। अब लीडर माता द्वारा 1, 2, 3 बोलने पर प्रत्येक माता दूसरे हाथ से बेलन में एक एक कंगन डालेगी। तय किए गए समय में जो माता सबसे ज्यादा कंगन बेलन में डालेगी वह विजेता होगी। ये गतिविधि होने तक ये वीडियो यहाँ पॉज करते हैं। आशा है ये गतिविधि सभी माताओं ने आनंद के साथ की होगी। चलिए अब आगे की गतिविधि करते हैं, जिसका नाम है कुछ नया सीखते हैं। त्योहारों में हम अलग अलग वस्तुओं से घर सजाते हैं। सजावट में फूलों का उपयोग किया जाता है। आइए इस वीडियो से हम फूलों की सजावट के रूप में पैटर्न और रचना की जानकारी लेते हैं। इस जानकारी का फायदा आपको कैसे हो सकता है, सभी माताएं बारी बारी समूह में बताएं। ये गतिविधि होने तक ये वीडियो यहाँ पॉज करते हैं। चलिए अब आगे की गतिविधि करते हैं, जिसका नाम है घर जाके बच्चों के साथ करें। आइए सभी माताएं बच्चों के साथ इकट्ठा बैठें, इन खेलों को देखें और समझें। दिए गए खेलों से बच्चा आसपास में मौजूद वस्तुओं की आकृतियां तथा आकार समझने लगता है। बच्चे को एक कप दिखाएं, उसके बाद दूसरा कप दिखाएं। दोनों कप एक आकार हैं, ये बताएं। बच्चे को एक के एक ऊपर ब्लॉक रखकर टावर बनाना बताएं। बच्चे को टावर बनाने के लिए प्रेरित करें। माँ बच्चे को कागज पर गोला बनाकर दिखाए। बच्चे को भी हाथ में क्रेयॉन पकड़कर कागज पर गोला बनाने के लिए प्रेरित करें। ये गतिविधि होने तक ये वीडियो यहाँ पॉज करते हैं।
अगले सप्ताह की मीटिंग तक ये खेल अपने बच्चों के साथ कुछ समय निकालकर जरूर खेलें। आज की गतिविधि यहाँ पर समाप्त हो रही है। ऐसी ही और नई जानकारियों और गतिविधियों के साथ अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना व बच्चों का ख्याल रखें। धन्यवाद।